नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रभा वाजपेयी। आइए डालते हैं एक नजर यूपी की छोटी बड़ी सभी खबरों पर। बदायूं में युवक की गला रेत कर हत्या क्षेत्र में फैली सनसनी। बदायूं जिले के सहसवान कोतवाली क्षेत्र के ग्राम नगला बरन निवासी दो दिन से घर से लापता युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई। शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शव को पीएम हेतु जिला मुख्यालय भेज दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही एएसपी डॉक्टर ओपी सिंह ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। सहसवान कोतवाली क्षेत्र के ग्राम नगला वरन निवासी राम प्रसाद पुत्र चोरन सिंह को दो दिन से घर से लापता था। परिजनों ने काफी खोजबीन की मगर राम प्रसाद का कहीं पता नहीं लगा। परिजनों ने कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। बुधवार को सुबह नगला वरन से जरीफपुर गड़िया जाने वाले मार्ग पर पुलिया के नीचे राहगीरों ने शव पड़ा देखा। तत्काल राहगीरों ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर शव को सील कर पीएम हेतु जिला मुख्यालय भेज दिया। घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और कोतवाली पुलिस को जल्द से जल्द घटना का खुलासा करने के निर्देश दिए। कोतवाली पुलिस गहनता से जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं परिजन ने बताया कि मृतक राम प्रसाद की शादी 1.5 वर्ष पूर्व हुई थी और मृतक की किसी से रंजिश होने से परिजनों ने साफ इनकार कर दिया। मृतक के गुप्तांग को भी बेरहमी से काटा गया। आखिर मृतक के गुप्तांग को ही क्यों काटा गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि मृतक का किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा था और हत्यारों ने उसे आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया और वह अपना आपा खो बैठे? बहरहाल वजह जो भी हो, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बदायूं से एम आरिफ खान की रिपोर्ट। गांव को 26 वर्षीय राम प्रसाद का शव मिला है और देखने से लगता है कि परिजन गला रेत करके उनकी हत्या की गई। इस संदर्भ में भी परिजनों ने कोई इनमिटी या कोई अन्य बात नहीं बताई है। हम लोगों ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसमें परिजनों से तहरीर लेकर के अगले किया जाएगा और शीघ्र ही इसका अनुरोध किया जाएगा कि उन्होंने हत्या की होती है। We'll be right back.